हरियाली तीज व्रत कथा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी कहते हैं, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हो गए और कहते हैं, नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह सब शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाश पति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए और वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम मिली ही नहीं। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद मास के तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। और इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने आप को शिव जी की हाथों में सौंप दिया है और मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पे चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। अब भगवान शिव ने इस प्रकार बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। और इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसी में एक और पौराणिक कथा आती है कि हिमालय राज के घर माँ पार्वती ने पुनर्जन्म लिया था और बचपन से ही उन्हें शिव को पति के रूप में पाने की कामना थी। समय बीतने के साथ एक दिन नारद मुनि राजा हिमालय से मिलने गए और वहाँ पर उन्होंने माँ पार्वती से शादी के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया। तब हिमालय राज को भी ये बात अच्छी लगी और उन्होंने विष्णु भगवान को दामाद के रूप में स्वीकार करने की सहमति दे दी। जब माँ पार्वती को पता चला कि उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है तो वो निराश हो गई और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एकांत जंगल में चली गई। उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और व्रत किया। शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। और दूसरी तरफ जब पर्वतराज हिमालय को माँ पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माँ पार्वती की शादी करने को तैयार हो गए। आखिरकार माँ पार्वती की शादी संपन्न हो गई और तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। तो हरियाली तीज का व्रत इस बार बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ आया है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी और माँ पार्वती की तरह जोड़ी और अटल सुहाग सबको मिले। हर हर महादेव। धन्यवाद।